क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, क्योंकि हैकिंग जैसे चीजों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आईपी एड्रेसेस के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सारी चीजें अधूरी है। ये एक मेन बेस है आईपी एड्रेस। अब तक आप लोगों ने देखा कि हमने फुटप्रिंटिंग की अलग अलग तरीकों से वहाँ आईपी एड्रेसेस बहुत सारे देखने को मिले होंगे, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक 32 बिट्स का बाइनरी नंबर होता है, जिसका मेन काम होता है किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस की लोकेशन को बताना। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर, सपोज एक नेटवर्क है, उसमें 100 कंप्यूटर्स है, और उसके अंदर मुझे एक कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, तो वह मैसेज मैं कैसे भेज पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज जा रहा है वो उसी कंप्यूटर के ऊपर जा रहा है या दूसरे कंप्यूटर के पास जा रहा है। तो फ्रेंड, ये हम पता कर पाएंगे आईपी एड्रेसेस के थ्रू। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, जो एक नाम देंगे या फिर एक नाम के बेस पे काम करता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये एक नेटवर्क के अंदर अगर आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं तो उसका बड़ा कारण है आईपी एड्रेस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, जो इंटरनेट यूजर है उसके लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपका फोन नंबर, ये एक यूनिक नंबर है, वैसे कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जो भी आप यूज करते हो, उसमें एक यूनिक नंबर होता है जिसे आईपी एड्रेसेस बोलते हैं, जिसकी उस डिवाइस की पहचान की जाती है। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, ये 88 बिट्स के 4 ऑर्बिट्स में डिवाइड होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो आईपी एड्रेस जिसका मैक्सिमम रेंज 255 है, ये और बाइनरी वैल्यू जो लिखी हुई है, यहाँ ऑर्बिट वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि 88 बिट्स का एक 4 पार्ट में ये डिवाइस है, और ये चारों पार्ट मिलकर एक आईपी एड्रेसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो IPv4, IPv6। आईपी एड्रेस के बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके जो वर्जन्स है वो 2 वर्जन्स है। तो मैनुअली जो यूज होने वाले जो आईपी वर्जन्स है वो है IPv4। और कई बार जो आप आईपी एड्रेसेस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईपी एड्रेस है, ये है वर्जन 6 का आईपी एड्रेस। तो गाइस, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वर्जन 4 ऑलरेडी है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि इंटरनेट जो यूजर है, डेली डे बाय डे बहुत ही ज्यादा यूजर बढ़ रहे हैं इंटरनेट के इस दुनिया में। तो हम जानते हैं कि आईपी एड्रेसेस कितने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उसके लिए उतना ही आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आईपी वर्जन 4 में लिमिटेड है। इसी के लिए यहाँ पर यूज होता है IPv6। तो इसी के लिए इन्वेंशन किया गया है IPv6 को, जिससे मल्टीपल जो भी यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ, जिसको कमी ना पड़े आईपी एड्रेसेस की, इसीलिए IPv6 का रिक्वायरमेंट हुआ और IPv6 को डेवलप किया गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपी एड्रेसेस के अलग अलग क्लासेस हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी आईपी एड्रेस वो किस क्लास की है। यहाँ पर आप देख सकते हो IPv4 के अलग अलग क्लासेस हैं। IPv4 इसके अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्लास ए की आईपी, क्लास ए की आईपी 1 से लेके 126 तक है। और इसकी जो सपोर्ट की बात करूं तो ये 16 मिलियन होस्ट कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन होस्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 127 नेटवर्क में हम कितने मिलियन होस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी की जो आईपी एड्रेसेस है 128 से लेके शुरू होती है और 191 तक एंड होती है। ये लगभग 65,000 होस्ट सपोर्ट करता है नेटवर्क के अंदर। अब हम बात करते हैं जो क्लास सी है। क्लास सी के अंदर 192 से स्टार्ट होकर 223 तक होता है इसके जो आईपी एड्रेसेस है। इसके नेटवर्क के अंदर उसमें जो, सपोज मैं आपको बता दूं, 254 इसके होस्ट जो भी है वो एक तरीके से हम नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं, 254 होस्ट को हम यूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लास डी और क्लास ई। ये दोनों क्लासेस की जो आईपीज होती है वो साइंटिफिक रिजर्व होती है, किसी अलग पर्पस के लिए रिजर्व होती है।
लाइक टेस्टिंग पर्पस के लिए या फिर ये जो क्लासेस की आईपी होती है वो हमें नहीं मिल सकती, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होती है। मैं आपको सारे क्लासेस के आईपीस के रेंज एंड सबनेट मार्क्स जो भी उसके यूजेस हैं उसके बारे में आप आई होप समझ गए हो। आईपी एड्रेस बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, जो फर्स्ट है आईपी, देन सेकंड है प्राइवेट आईपी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बारे में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो वहां पर जो आईपी एड्रेस दिखाई देता है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ये सभी के लिए एक्सेसिबल होता है, यानी कि आगे मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर देके जाते हैं, यानी कि जिस भी कंपनी का आप नेट यूज कर रहे हो, लाइक कोई भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, आइडिया, अदरवाइज जियो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर से आईपी परचेस किए हो वो आपका एक तरीके से प्राइवेट आईपी हो गया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, यहाँ पर हमने जाना पब्लिक आईपी के बारे में। तो मैं आपको आगे बता दूं, पब्लिक आईपी इसे आप नहीं देख सकते बिकॉज इसे जो सेकंड पर्सन है उसे देखने का थॉट नहीं होता। गाइस यहाँ पर जो देखने के तरीके हैं वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। हम जो आईपी एड्रेसेस के क्लासेस के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें क्लास ए में 1 से लेकर 126 तक आया और क्लास बी में 128 से लेकर 191 तक आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास ए के बाद जो 127 कहाँ गए। तो फ्रेंड्स क्लास 127 है, इसे आप लोकल होस्ट के नाम से जानते हो, जिसका यूज बेसिकली टेस्टिंग और डायग्नोस के लिए यूज किया जाता है। ये जो आईपी एड्रेस की मदद से आप बहुत सारे ऐसे हैकिंग के प्रैक्टिकल या फिर वेबसाइट को टेस्टिंग कर सकते हो। ये इसी पर्पस के लिए आप इसका यूज भी कर सकते हो, लाइक आपका एक लोकल होस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। यहाँ पर आपको वो सारी बातें मैं बताऊंगा जो ये सारे लिस्ट पर है आईपी एड्रेसेस। तो आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईपी एड्रेस है इसे आपको यूज नहीं करनी है, बिकॉज ये जो आईपी एड्रेसेस है ये आपको बिल्कुल सा भी ट्राई नहीं करना है। ये सारे आईपी एड्रेसेस अलग अलग वर्क के लिए है, लाइक कोई आईपी एड्रेसेस नासा के हैं या फिर कोई इलीगल वे के लिए यूज किया जाता है या फिर कुछ गवर्नमेंट्स के आईपी एड्रेसेस है। ये सारे आईपी एड्रेसेस पे आपको वर्क नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे आईपी एड्रेस को आप नोट कर लो, ध्यान में रखिए कि ये सारे आईपी एड्रेसेस को आपको यूज में नहीं करना। अगर आप ये आईपी एड्रेस को यूज करते हो आगे चल के आप एक खतरे में पड़ सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे प्रैक्टिकली कैसे कैसे चीजें होती है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।